हेलो एवरीवन, तो वापस से सबका वेलकम है आज की क्लास में। तो आज हम डीएनएफ ब्लॉक शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली पहला हमारा जो फोकस होगा वो डी ब्लॉक के ऊपर होगा। ठीक, तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी इस चैप्टर में या फिर आज से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनएफ ब्लॉक की। हमने जो पीरियोडिक टेबल है, पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, सॉरी कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर सबसे स्टार्टिंग में जो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ग्रुप 1 एंड 2, वो हमारे पास एस ब्लॉक मेंबर आते हैं। देन लास्ट में हमें राइट हैंड साइड पर जो 6 ग्रुप्स दिखते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, तो ये हमारे पास पी ब्लॉक के मेंबर हैं। बीच में जो हमारे पास ये पूरी सीरीज है, 3rd ग्रुप से लेकर 12th तक, तो ये हमारे पास डी ब्लॉक है। एंड इस डी ब्लॉक के अंदर ही लेंथेनियम से लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनियम से एक्टिनॉइड सीरीज, तो ये जो दो सीरीज है हमारे पास टोटल 14 14 एलिमेंट्स की, ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक, तो ये तो हमने पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन देखा कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स को कहाँ से कहाँ तक किस तरह से अरेंज किया गया है। ठीक, तो हमारे पास जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो डी ब्लॉक के अंदर हमने देखा हुआ है कि 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक हमारे पास डी ब्लॉक के मेंबर्स को हमने अरेंज किया हुआ है, जिसके अंदर हम इन जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली डी ब्लॉक के, उनको हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं, है ना। यानी जैसे हम एस और पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, ग्रुप फर्स्ट हो गया, ग्रुप सेकंड हो गया, ग्रुप 13th हो गया, 14th हो गया, तो हम इनको ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं एलिमेंट्स की, है ना। लेकिन जो डी ब्लॉक होता है वहां पर हम वर्टिकल तो पढ़ते हैं, लेकिन वर्टिकल में हम बहुत कम देखते हैं। मेनली हम जो बात करते हैं वो हम हॉरिजॉन्टल सीरीज की बात करते हैं। तो जो डी ब्लॉक है, अगर आप सबके पास बुक है तो आप सब अपनी बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल निकाल के देख सकते हो, तो उससे ज्यादा आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो सीरीज वाइज पढ़ते हैं, तो सबसे पहली सीरीज है हमारे पास 3D सीरीज, देन 4D सीरीज, देन 5D सीरीज, देन 6D सीरीज। क्लियर, ये 4 सीरीज में हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। देन जो एफ ब्लॉक के मेंबर्स हैं हमारे पास एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक को भी हम 2 सीरीज में पढ़ते हैं, और ये 2 सीरीज हमारे पास कौन सी है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, राइट। अब जो ये हमारे पास सीरीज हमने डिवाइड कर रखे हैं बेसिकली, तो डी ब्लॉक के अंदर जनरली हमें दिमाग में रखना है कि 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है। तो 3D सीरीज, आप सब आई होप कि आप अपनी बुक देख रहे हो जो कि मैंने बोला है, तो ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक प्रेजेंट है। देन 4D सीरीज के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 4D के अंदर हमारे पास यट्रियम से लेकर कैडमियम, देन 5D सीरीज, 5D सीरीज के अंदर ये यट्रियम है यार, वाई है ये यट्रियम, देन 5D सीरीज के अंदर हमारे पास सबसे पहला मेंबर है लिंथेनियम, इसके बाद हमारे पास दूसरा मेंबर है हॉफमियम, एंड हॉफमियम से लेकर हमारे पास कहाँ तक है, मरकरी। अब ये लेंथेनियम के बाद मैंने हॉफमियम क्यों लिखा है, ये अभी हम एफ ब्लॉक जब मैं बोलूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से। देन 60 सीरीज, तो 60 सीरीज के अंदर हमारे पास है, कहाँ गया मेरा, सॉरी, 60 सीरीज के अंदर भी हमारा सबसे पहला मेंबर जो है वो है एक्टिनियम, एक्टिनियम, एंड उसके बाद रोफमियम से लेकर सीएन तक, इसका मैं नेम भूल चुकी हूँ, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा, तो यहां तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है ना वो डी ब्लॉक के अंदर से शुरू होता है। यानी जैसे यहां पर मैं सिर्फ 3rd ग्रुप की अगर बात करूं, तो यह थोड़ा सा वर्टिकल बनाना चाहिए मुझे, नहीं ये हमारे पास सपोज 3rd ग्रुप था, 3rd ग्रुप है जिसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास 3D सीरीज,
4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, जिसके अंदर 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, इन दोनों में पहला मेंबर यहाँ पर क्या है, लेंथेनियम, एंड 60 सीरीज का पहला मेंबर क्या है, एक्टिनियम। तो लेंथेनियम के अंदर से ही हमारे पास एफ ब्लॉक शुरू होता है, और वो जो लेंथेनियम के अंदर से एलिमेंट्स जो हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स, उनको हम पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली प्लेस कर रखा है हमने। इस मेन जो पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे तो दो हमने हॉरिजॉन्टल रोज दिखा रखी हैं, उनके अंदर तो जो पहला हमारे पास सीरीज है ये लेंथेनियम से शुरू होता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट एफ ब्लॉक की 4F सीरीज है, इसी 4F सीरीज को हम लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। एंड जो 5F है वो कहाँ से शुरू होता है, 60 सीरीज के अंदर जो एक्टिनियम है उसके अंदर से हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज शुरू होती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। तो जो हमारे पास 4F यानी लेंथेनॉइड सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो लेंथेनियम के बाद हमारे पास कौन सा मेंबर आता है, सीरियम। तो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, सीरियम टू ल्यूटेटियम। एंड एक्टिनॉइड सीरीज तो ये कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, तो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। ये हमारे पास एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जनरली हमसे सारे एलिमेंट्स तो कोई नहीं पूछता यार, 3D सीरीज हमें याद हो जाती है, अभी हम जब बातें करेंगे तो हमें 3D सीरीज दिमाग में बैठ जाएगी, 4D, 5D, 60 सीरीज पूरी पूरी सीरीज नहीं भी याद रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरी आप याद रख सकते हो किसी भी ट्रिक वाइज तो वो आपकी मर्जी है, आपकी नॉलेज के ऊपर है, तो आप कर सकते हो, तो करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज भी पूरी दिमाग में रखने से इतने, बस पहला एंड लास्ट मेंबर दिमाग में रखो ताकि जब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वो हमारे ना इजिली हम क्लियर कर सके। एंड वो कॉन्फिगरेशन वाइज भी, जैसे हमसे कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके अंदर किसी के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके अंदर हमें ल्यूटेटियम कौन से मेंबर, सॉरी कौन से सीरीज का है, फिर कौन सा मेंबर है, सीरियम कौन सा मेंबर है, तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर दिमाग में रखो, कौन सी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है ये चीज दिमाग में रखो। एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, लेंथेनियम का और एक्टिनियम का, लेंथेनियम और एक्टिनियम के बाद से एफ ब्लॉक मेंबर शुरू होते हैं हमारे पास, क्लियर। यानी लेंथेनियम जो है वो डी ब्लॉक का मेंबर है, एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं है। सिमिलरली एक्टिनियम जो है ये भी डी ब्लॉक का मेंबर है, एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं है। यानी हम लेंथेनियम एक्टिनियम को डी ब्लॉक के साथ पढ़ते हैं, एफ ब्लॉक के साथ नहीं पढ़ते। एफ ब्लॉक के अंदर सीरियम और ल्यूटेटियम जो होते हैं सीरियम से शुरू करेंगे, और 5F सीरीज भी थोरियम से शुरू करेंगे, एक्टिनियम से शुरू नहीं करेंगे। बस इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लेंथेनॉइड से रिजेंबल करती है और लेंथेनियम से शुरू होती है, इसीलिए इनको हम लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज बोल। लेकिन ये एलिमेंट एफ ब्लॉक में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, क्लियर। आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, देन हम आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर ही। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि हम पहले डी ब्लॉक की बात करेंगे, अभी थोड़ी सी बात हम एफ ब्लॉक की भी करेंगे वैसे। तो डी ब्लॉक के मेंबर जो होते हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स वर्ड भी यूज हो सकता है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले या फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोले, क्योंकि पूरा का पूरा डी ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटल्स प्रेजेंट है, ना हमारे पास नॉन मेटल्स है ना हमारे पास मेटलॉइड्स है, तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट की जगह पर ट्रांजिशन मेटल्स वर्ड भी यूज हो जाता है, क्लियर। एंड जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है हमारे पास, या फिर एफ ब्लॉक के मैं मेटल्स बोलूं, तो इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, ये जनरली इनको हम कॉमनली बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटल्स। अब भाई इनर ट्रांजिशन वर्ड तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें पता, अभी अभी मैंने बताया था कि जो डी ब्लॉक है उसके अंदर ही लेंथेनियम और एक्टिनियम के अंदर से ये शुरू होते हैं, क्लियर। तो इसीलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं लेंथेनियम और एक्टिनियम उनके भी इनर में प्रेजेंट है ये बेसिकल, तो इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बट डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, तो पहला कंसेप्ट क्या था, बहुत पहले हमारे दिमाग में ये था कि भाई अभी अभी जैसे हम देख चुके हैं
यार पीरियोडिक टेबल दिमाग में रखोगे तो पूरे, वैसे भी पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक ना पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड होती है, अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्लियर है किसी का भी तो वो बहुत अच्छे से पूरी इनऑर्गेनिक को समझ सकता है हमारे पास, है ना, प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हो या फिर कुछ भी हो हमारे पास। तो जैसे ये हमारा पीरियोडिक टेबल था, अभी मैं वापस पूरा नहीं बनाऊंगी, बस मैं थोड़ा सा बनाऊंगी। तो ये हमारा डी ब्लॉक, ये हमारा पी ब्लॉक, राइट। पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th। तो डी ब्लॉक के अंदर 3rd to 12th तक ग्रुप्स प्रेजेंट है, क्लियर। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज एस और पी के बीच में ट्रांजिशन करती हैं। ट्रांजिशन करने का मतलब क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा इन दोनों के बीच में वेरिएशन शो करती है हमारे पास। लाइक एस ब्लॉक के अंदर हमें पता है कि मेटल्स प्रेजेंट है ना, पी ब्लॉक के अंदर हमें पता है कि नॉन मेटल्स भी हैं ऊपर में, देन बीच में हमारे पास मेटलॉइड्स भी आते हैं, देन हमारे पास मेटल्स भी होते हैं, क्लियर। तो अगर मैं किसी एक प्रॉपर्टी की बात करूं लाइक इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मैक्सिमम होगी, है ना, और पी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मिनिमम होगी। तो जो डी ब्लॉक के मेंबर होंगे इनकी, डी ब्लॉक के मेंबर के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी लेस देन एस ब्लॉक मेंबर बट मोर देन पी ब्लॉक के मेंबर्स होगी हमारे पास, राइट। तो ये पहली प्रॉपर्टी का मैंने बताया। या फिर हम किसी और कोई और बात कर ले, हम सपोज मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बता दो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ब्लॉक मेटल्स से तो बहुत ही कम होगी, पी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, तो जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन एस ब्लॉक होगी बट लेस देन पी ब्लॉक होगी। तो इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में झूल रही है ना एक तरह से, तो इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारे पास चेंज आया इनके डेफिनेशन में भी, और अब आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स हम सिर्फ उन्हीं को बोलेंगे जिनके पास क्या होनी चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, बाद में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो हमें पता है कि डी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, है ना। यानी ट्रांजिशन मेटल की कंडीशन क्या होगी, D1 से लेकर D10 नहीं सॉरी D9 यहां तक की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी सिर्फ उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अगर किसी के पास D0 कॉन्फ़िगरेशन है एंड अगर किसी के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करते, नॉट ट्रांजिशन मेटल्स, क्लियर इतनी चीज। तो D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी हमारे पास बहुत यूज होने वाली है, तो दिमाग में इसको थोड़ा सा अच्छे से रखना कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल की कंडीशन क्या होगी। अब अगर हमसे कोई भी पूछे कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम सिर्फ उन्हें कहते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, यानी जिनकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, D1 से लेकर D9 तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्लिक क्या है हमारे पास कि D1 to D9 तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जरूरी नहीं है कि भाई ग्राउंड स्टेट में ही हो हमारे पास, है ना। D1 to D9 आइदर इन ग्राउंड स्टेट, यानी अगर किसी की ग्राउंड स्टेट में हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर एक्साइटेड स्टेट, यानी अगर किसी की ग्राउंड स्टेट में नहीं है बट वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंडीशन शो कर पा रहा है तो हम उसको ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। बट अगर कोई एलिमेंट ना तो अपनी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 दिखा सकता है ना एक्साइटेड स्टेट में दिखा सकता है तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई होगी हमारे पास।
तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डी ब्लॉक वाले होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। यानी अभी ध्यान से याद करो तो 3D, 4D, 5D, 6D। अब मैं 3D, 4D, 5D, 6D क्यों बोल रहे हैं इनको, ये भी चीज क्लियर कर दूंगी। अभी थोड़ा सा बस पहले हम समझते हैं जो हमने अभी टॉपिक शुरू किया था। 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक था? Sc2 Zn यानी स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज येट्रियम टू कैडमियम, 5D सीरीज लेंथेनियम देन हॉफमियम, हॉफमियम से लेकर मरकरी तक, 6D सीरीज एक्टिनियम देन रॉफमियम से लेकर सीएन तक। तो ये जो एंड वाले एलिमेंट्स है ना हमारे पास, इन एंड वाले एलिमेंट्स के अंदर, यानी मैं बात करूं 12th ग्रुप की, और 12th ग्रुप के अंदर भी सबसे कॉमन जो हमसे पूछा जाता है वो हमसे पूछा जाता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं यार, अब भी दिमाग में रखना, डी ब्लॉक जब तक खत्म नहीं होता तब तक। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ये तीनों ही ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते, ट्रांजिशन मेटल्स, नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों नहीं होते? क्योंकि सिर्फ मैं जिंक के एग्जाम्पल से बताती हूँ, तो जिंक की जो कॉन्फिगरेशन होती है हमारे पास, जिंक की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फिगरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वो हमारे पास क्या है, 3D10 है और 4S2 है, राइट? ये कौन सी स्टेट की कॉन्फिगरेशन है इसकी? ग्राउंड स्टेट की कॉन्फिगरेशन। तो भाई ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसकी 3D10 एंड 4S2 है, जिसकी वजह से ये शो नहीं कर पा रहा। तो हमारे पास तो डेफिनेशन में ये भी था कि भाई अगर एक्साइटेड स्टेट में किसी के पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाए पार्शियली फिल्ड वाली, तो वो शो करेगा। तो हम देखते हैं, हमने जिंक को एक्साइट किया तो हमें पता है जिंक की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पहले 4s में से जाएंगे, तो उस कंडीशन में 4s तो जीरो हो गया, लेकिन 3D में अभी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 10। तो अभी अभी याद करो, अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं कि D0 एंड D10 इन दोनों को ही हम ट्रांजिशन मेटल में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि D0 में तो भाई है ही नहीं एंड D10 फुल्ली फिल्ड है। तो ट्रांजिशन मेटल की कंडीशन क्या थी? ट्रांजिशन मेटल की कंडीशन थी कि जिसके अंदर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पार्शियली फिल्ड और मेटल होना चाहिए। तो हमारे पास जिंक के पास अपनी एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं है और अपनी ग्राउंड स्टेट में भी नहीं है, इसीलिए वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल नहीं होता। तो सिमिलरली कैडमियम भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है और मरकरी भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्लियर? तो इसीलिए ना इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी जितने भी मेंबर है हमारे पास डी ब्लॉक के, उन सबसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्या क्या डिफरेंट होते हैं वो हम आगे देखेंगे, अभी तो हमारे पास बस इतना ध्यान में रखना है कि भाई जिंक, कैडमियम, मरकरी ये तीनों के तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो इनको हम बोलेंगे, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में इनको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्लियर? ओके, देन अब यहाँ पर हमसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिल्वर का, जनरली एजी का हमसे पूछते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी होगा, तो एक बार आप देख लेना जितना मुझे याद है। तो हमसे बोला जाता है सिल्वर जो है इसके अगर कॉन्फिगरेशन आप दिमाग में याद करो, तो हमारे पास क्या होती है, 4D10 एंड 5S1 होती है। तो हमारे पास ना वो क्वेश्चन ये ऐसा पूछते हैं कि भाई जो सिल्वर है इसके पास भी ध्यान से अभी कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में देखो, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन, सिल्वर का एटॉमिक नंबर अगर हमें याद हो तो हम लिख सकते हैं 47। तो उसके अंदर क्या 4D की कॉन्फ़िगरेशन अभी भी क्या है बेचारे की, 10 है। तो यानी ये है इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो वो हमें ना ऐसा लिख के देंगे, अगर आपको वो टेंशन हो रही है कि भाई मुझे तो इसका एटॉमिक नंबर ही नहीं याद है या फिर मुझे कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगी 4D में होता है या 5D में होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको लिख के देंगे कि भाई जो सिल्वर है सिल्वर के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास ग्राउंड स्टेट में, बट
फिर भी सिल्वर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ऐसा क्यों? ट्रांजिशन मेटल होती है हमारे पास, नॉन ट्रांजिशन नहीं बोलते, तो ये किस खुशी में? तो वो इसलिए हमारे पास, क्योंकि जब सिल्वर +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो 4d10 एंड 5s0 होती है। लेकिन जब सिल्वर +2 की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो उस टाइम पर इसके पास क्या हो जाएगा, 4d9 की कॉन्फ़िगरेशन आता। तो अपनी +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सिल्वर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो करता है, और इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि सिल्वर ही पूछा जाए, हमारे पास कॉपर भी पूछा जा सकता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। इसे कॉन्फ़िगरेशन तो हम सब बचपन में पढ़ते हैं, है ना? तो इसी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होती है। अब ध्यान से देखो तो 3d10 ग्राउंड स्टेट में है पर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि भाई ये तो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा, क्योंकि डी के अंदर कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, फुल्ली फिल्ड। लेकिन कॉपर +1 भी शो करता है एंड +2 भी शो करता है। तो जब +1 शो किया तब तो भाई 3d10 ही रहेगी, है ना? 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4s0 होगा। लेकिन जब +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस कंडीशन में 3d9 होती है हमारे पास, एंड 4s0 अभी भी। तो इसीलिए जब 3d9 शो करता है हमारे पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, यानी ये ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल के डेफिनेशन दिमाग में अच्छे से याद रखो कि भाई वो एलिमेंट्स या फिर वो मेटल्स जिनके पास अपनी एक्साइटेड स्टेट में या फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में, दोनों में से किसी भी कंडीशन के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या फिर मैं बोलूँ कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो फिर वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होते हैं। क्लियर इतनी चीज? अदरवाइज जिनके पास नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि भाई नॉन ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन नहीं। लेकिन डी ब्लॉक का मेंबर तो वो होगा ही होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर हम इनको पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होगी वो कौन से ब्लॉक में हो रही है, कौन से वैलेंस शेल में हो रही है, डी शेल में हो रही है। क्लियर? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो डी ब्लॉक की इंपॉर्टेंस, तो भाई हमारे पास मोस्टली जो प्रेशियस एलिमेंट्स हैं, प्रेशियस एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये ज्वेलरी वाइज भी हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं हमारे पास, है ना? तो वो कौन से मेंबर के एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक के। देन कैटलिस्ट हो गए हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी के हैं? प्रेशियस हैं ये हमारे पास। देन प्लैटिनम, पैलेडियम, मैंगनीज, कॉपर, ये सारे हमारे पास, हम बहुत टाइम से इनको एज अ कैटलिस्ट यूज करते आ रहे हैं। ऑर्गेनिक में हमने देखा, इनऑर्गेनिक में भी हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं। तो ये हमारे पास प्लैटिनम, पैलेडियम वगैरह हम इनके अंदर भी यूज करते हैं, यानी कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज करते हैं। देन उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। अभी हम आगे देखेंगे भाई रीजन क्या है इसका। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बनाते हैं, चैप्टर भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऊपर। उसके बाद कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं यहाँ पर, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, यानी बहुत सारे लोग वो पहनते हैं ना, अंगूठियां पहनते हैं ऐसे कलरफुल कलरफुल पत्थर पत्थर वाले टाइप, रूबी हो गया, एमराल्ड हो गया, ये सारी चीजें। तो उनके अंदर वो एक्चुअली में हमारे पास क्या है, इन्हीं के कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, है ना? तो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बना लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिसके बाद और हम क्या देख सकते हैं इनके अंदर, हाँ आगे ही हम देखेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की भी। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, रेडियो एक्टिविटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है कुछ एलिमेंट्स में, तो उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी, तो उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से हमारे पास ये बहुत ही अच्छे फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं उनके अंदर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं हमारे पास, तो उनके अंदर, तो उस पर्पस पर भी हमारे पास यूजफुल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इनकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस हमसे पूछने नहीं वाले तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे इनकी स्टडी की तरफ। तो सबसे पहले जैसे हम इनऑर्गेनिक की शुरुआत करते आ रहे थे हमेशा की तरह, वैसे अभी भी हम करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर या फिर किसी भी ब्लॉक के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं,
हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं पहले, है ना। जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम एफ ब्लॉक की बात करेंगे, अभी हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो हमने ब्लॉक वाइज जब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में डिवाइड किया था तो उसका बेसिक रीजन क्या था? उसका बेसिक रीजन ही यही था कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर होंगे, अब भाई कौन से इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुछ कुछ लोग इलेवेंथ पूरी भूल जाते हैं, तो उनके लिए है ये चीज कि भाई हम हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर करेंगे, एंटर इन विच शेल, उस शेल के अकॉर्डिंग हमने ब्लॉक डिवाइड कर रखे हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर वैलेंस शेल जो होती थी हमारे पास, वो कौन सी होती थी? एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास एस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते थे, पी ब्लॉक के अंदर पी शेल में एंटर करते थे, तो सिमिलरली डी ब्लॉक में डी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। तो हमारे पास, हमें पता है कि जब भी कभी डी ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से होती है, तो डी ब्लॉक की शुरुआत होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से, है ना। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से हमारे पास डी ऑर्बिटल की शुरुआत होगी, तो अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल, तो याद करो, तो उन्होंने हमें क्या बताया था, ऑफ बाउ ने हमें बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंट्री हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने ही हमें N+L रूल भी बताया, तो वहां से हमारे पास क्या आई कॉन्फिगरेशन, जिसे मैं स्टार्टिंग करके दिखा देती हूँ। 1s था, 1s से ज्यादा एनर्जी है 2s, देन 2p, फिर 3s, फिर 3p, देन अब भाई थर्ड शेल है, तो थर्ड से ही d ऑर्बिटल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 3d की एनर्जी से पहले किसकी एनर्जी आती है? 4s, उसके बाद 3d की एनर्जी आती है, क्योंकि हमारे पास N+L रूल के अकॉर्डिंग किस क्या होता है, N+L का सम जिसका ज्यादा उसकी ही एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। तो 4s के लिए N+L रूल लगाओ, तो 4s N+L लगाना है, तो 4 है यानी n की वैल्यू 4, और s ऑर्बिटल तो l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो सम कितना आया मेरे पास 4। अब 3d के लिए अगर मैं लगाऊं तो N+L लगाना है, तो 3 यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 3, देन d तो l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, यानी सम कितना आया 5, तो 3d का सम ज्यादा है 4s से, तो इसीलिए 4s की एनर्जी कम होगी, 3d की एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर अगर किसी को 11th का नहीं याद है, तो वो ऐसा बोल सकता है कि भाई फिर 4p का क्या होगा, 4p कहाँ जाएगा, तो भाई हमारे पास 4s, उसके बाद 3d, फिर 4p, है ना। अब ऐसा क्यों, तो 4p के लिए N+L रूल लगा लो, N+L इसके अंदर 4 प्लस p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, सम कितना आ गया मेरे पास 5। अब जब हमारे पास N+L का सम किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए सेम आता था, है ना, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास 3d एंड 4p दोनों का ही सम कितना आया है हमारे पास 5 आया है, तो उस कंडीशन के अंदर n की वैल्यू जिसकी हायर, उसी की एनर्जी भी हायर होती थी, है ना। तो यहाँ पर 4p के लिए, 4p में n की वैल्यू कितनी है 4, और 3d में n की वैल्यू कितनी है 3, तो इसकी n की वैल्यू ज्यादा है ना, तो इसीलिए इसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी हमारे पास, और इसकी एनर्जी 4p से कम होगी। तो आई होप कि इतनी चीज दिमाग में तो है आपके, है ना, और अगर नहीं दिमाग में तो एक और बाइटर से चीज क्लियर हो जाती है। यानी जब कभी भी हम फिलिंग करेंगे तो 3d से पहले किसकी फिलिंग हो रखी है, 4s की। यानी अगर मैं 4s ऑर्बिटल की टर्म्स में देखूं, तो भाई मेरे पास फोर्थ शेल ऐड हो चुकी है, बट मैं फाइनली कौन सा सब शेल चूज कर रही हूँ, 3d। यानी हर बार एक पिछला d ऑर्बिटल फिल होता है ना, इसी को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है कि लास्ट जो पिछली एनर्जी लेवल थी, उस एनर्जी लेवल को हम पहले फिल कर रहे हैं, लास्ट एनर्जी लेवल वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग। तो यानी यहां से हमारे पास, अगर मैं इस 4s के लिए
एन से डिनोट करूं एनएस, तो 3D के लिए मैं क्या यूज करूंगी, एन माइनस 1D ऑर्बिटल यूज करूंगी, है ना। तो यहां से अब हमारे पास फाइनली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है डी ऑर्बिटल की एन माइनस 1D। अब D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, बट मिनिमम कितने आएंगे, 1। वैसे तो देखा जाए तो एक भी नहीं आएगा, बट अगर भाई एक भी नहीं आएगा तो फिर वो डी ब्लॉक के अंदर आएगा ही क्यों, क्योंकि हम तो डी ब्लॉक तब बोले ना जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू हो, तो इसीलिए डी 1 to 10। अब एनएस की बारी, तो एनएस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और मिनिमम कितने आएंगे, 1। अब भाई यहाँ पर 1 से 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंज जाती है, तो इसीलिए कभी कभी हम, वैसे तो जनरली एनएस के अंदर 2 रहता है उसके बाद ही डी के अंदर एंटर करेगा, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन किन दो शेल का जिनके अंदर फिलिंग हो रही है, एन माइनस 1D और NS की, तो ये इतनी भी लार्ज नहीं होती, वो लिटिल बिट होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो D से जंप करके S में और S से जंप करके D में जा आ सकता है, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, राइट। तो हमारे पास जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पीछे मैंने दिखाया भी था बट फिर भी, क्रोमियम, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना, 24, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, वैसे तो स्टार्टिंग से मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं चाहिए बट फिर भी मैं उनके अकॉर्डिंग भी लिख रही हूँ जिनको नहीं याद होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर भी, तो 3s2 3p6 10, 4s1 3d5, ये हमारे पास इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है इंस्टेड ऑफ 4s2 3d4। क्यों, तो 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d और बैटरी अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5, है ना, थोड़ा सा बड़ा बन गया ये, ये अब 3d4 के अंदर ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये हाफ फिल्ड है, नहीं है। अगर मैं 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के 3d में एंटर करवाऊं तो अब ये 3d5 हुआ, और 3d तो हमें पता है कि अब ये कैसा है, हाफ फिल्ड है ना, और हाफ फील्ड में भी ऐसा क्या अचानक हो जाता, तो हाफ फील्ड के पास दो चीजें होती थी, मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड दूसरी चीज हमारे पास होती थी सिमेट्रिसिटी। तो इन दो चीजों की वजह से हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू 3d4 ज्यादा हो गई, कोई भी चीज भी ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो इसीलिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से नहीं लिखा जाता क्रोमियम का, तो हम क्या लिखते हैं, 4s1 3d5। एंड सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल इसी ग्रुप का अगर मैं दू तो कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, 29, उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d10। तो d के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10। तो ये कैसा है हमारे पास, फुल्ली फिल्ड कंडीशन। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है, तो इसीलिए 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 1, तो इसीलिए s के अंदर 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यहां पर ना बस पैलेडियम का एक चेंज करना है हमारे पास, पैलेडियम का मैं बता देती हूँ, रीजन मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ कि भाई बताना कि ऐसा क्यों होता है। तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 46, जिसके अंदर इस ध्यान से यार इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखना, तो पैलेडियम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, 5s में 0 होता है एंड 4d में 10 होता है, ठीक है, इतनी चीज।
तो ये हमारे पास थोड़ा सा बस चेंज ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, और किसी में ऐसा नहीं है, बाकी सब नॉर्मल रहते हैं, जैसे चलते रहते हैं हमारे पास, बस लास्ट लास्ट में हमारे पास चेंज होते हैं। तो इसके अंदर बस हमारे पास ये है कि भाई इसके अंदर एस में जीरो ही हो जाते हैं पूरे, 5s 0 होता है एंड 4d 10 होता है हमारे पास। तो आई होप कि कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज क्लियर हो गई होगी हमारे पास, है ना। देन अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एफ ब्लॉक में अभी नहीं बताऊंगी, एफ ब्लॉक हम बाद में बात करेंगे जब हम एफ ब्लॉक शुरुआत करेंगे तब। अब हम चलते हैं इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज पर। एक चीज और, कॉन्फ़िगरेशन जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम बात कर ही लेते हैं कि पैनिट्रेशन पावर जो होती थी, पैनिट्रेशन इफेक्ट, वो उसका ऑर्डर क्या होगा, एस का ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम एंड एफ का सबसे कम, है ना। यानी जो डी और वाइटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो हमेशा ही किसी भी कोई भी जो एटम है किसी भी एलिमेंट के पेरिफ्री की तरफ प्रोट्रूड करता है हमारे पास, एज कम्पेयर टू बाकी के जितना जितने भी और वाइटल है हमारे पास, यानी एस एंड पी। डी है तो एफ की तो बात करेंगे ही नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए। तो यानी जो हमारे पास डी और वाइटल है किसी भी एलिमेंट का पूरे उसके अंदर, अभी जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, वो उसको सराउंडिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है ना। यानी सराउंडिंग के अंदर होने वाला कोई भी चेंज हमारे एटम या फिर एलिमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट डालता है। तो इसीलिए हमारे पास जो, क्योंकि मैंने पीछे बताया था ना कि d0 and d10 दिमाग में रखना, थोड़ा सा बड़ा अलग से हमारे पास चीजें आएंगी इसके लिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर हम बात करते हैं, d1 से लेकर d9 तक के जितने भी कॉन्फिगरेशन होती है हमारे पास एलिमेंट्स की, उनके अंदर इन सभी ही एलिमेंट्स के, d1 से लेकर d9 तक के अंदर, इन सबके पास सेम मैग्नेटिक, सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, कॉमन सेंस लगाओ यार, सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हमने इतना पढ़ा हुआ था कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जब प्रेजेंस होती है तो उस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक, है ना। और अगर हमारे पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या बोलते थे, डायमैग्नेटिक, राइट। तो मेरे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन चेंज तो नहीं होगा ना यार, ऐसा तो नहीं है कि अनपेयर्ड होते हुए भी पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाता है। सिमिलरली D1 कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी स्पीशीज के पास है, मैं एक साथ ऐसा बना देती हूँ, तीन चार पांच, अब D1 कॉन्फ़िगरेशन किसी ने बोली, यानी उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2 बोली तो उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D4 बोला उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D9 किसी ने बोला तो उसके पास वापस से 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। एंड अगर किसी ने D6 बोला है तो उसके पास वापस से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान से देखो, D4 के अंदर भी हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, है ना, और D6 के अंदर भी हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना। और दूसरी बात, D1, D2, D4, D9, D6 इन सबके ही पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास, राइट। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को चाहिए क्या भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, है ना। तो हमारे पास हर कंडीशन में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी सारे के सारे सेम मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास, हम बात करते हैं कि D1 से लेकर D9 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे सेम सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब डिटो सेम नहीं बोलते, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उससे, है ना। तो इसलिए सबका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सेम हो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभी के सभी पैरामैग्नेटिक होंगे ये हम बोल सकते हैं। दूसरी बात, अभी जैसे हमने पीछे इम्पोर्टेंस में बोला था कि भाई जितने भी डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं,
जितने भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे उनके अंदर मोस्टली हम सब देख चुके हैं कैटलिस्ट शो करते हैं, कैटलिटिक बिहेवियर शो करते हैं, है ना। तो कैटलिटिक बिहेवियर का ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि वो जो एलिमेंट हो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से ये कैटलिटिक बिहेवियर शो करता है। वो कैसे होता है वो हम अभी आगे देखेंगे जब प्रॉपर्टी डिटेल में डील करेंगे, बस यहाँ पर कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड ये चीज है कि भाई इनकी कॉन्फिगरेशन के अंदर पार्शियली फिल्ड डी और वाइटल प्रेजेंट है। इनके पास क्या है, पार्शियली फिल्ड डी और वाइटल। तो इस पार्शियली फिल्ड डी और वाइटल की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से कैटलिटिक बिहेवियर होता है इनका, राइट। एंड इसी पार्शियली फिल्ड डी और वाइटल की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है हमारे पास वो बनाते हैं। तो यानी जब हमसे कभी रीजनिंग का क्वेश्चन आया हो ना और उसके अंदर सपोज जैसे सीबीएसई के अंदर अगर आपका सब्जेक्टिव ही है अभी से, तो उसके अंदर अगर हमसे आया है कि भाई वाई डी और वाइटल सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड अगर आपको एक्यूरेट आंसर ना याद हो तो उसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी और वाइटल एक रीजन लिख कर आ जाना, हाफ मार्क्स तो पक्का मिलेंगे, मैं गारंटी देकर बता रही हूँ। क्योंकि हमारा मेन रीजन ही इन सभी प्रॉपर्टीज का क्या है, डी ब्लॉक के अंदर मेजर प्रॉपर्टीज जो है ना उनका मेन रीजन ही हमारे पास पार्शियली फिल्ड डी और वाइटल, राइट। ओके, देन अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के अंदर। ये शायद मैंने पीछे बता दिया आपको कि डी ब्लॉक के अंदर एंड सिमिलरली एफ ब्लॉक के अंदर भी हम क्या देखने वाले, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी देखने वाले, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी देखने वाले हैं। वर्टिकल की स्टडी हम बहुत कम करेंगे या फिर शायद करेंगे ही नहीं, बट थोड़ी सी हम कर लेंगे, बट मेनली हम हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी की बात करते हैं। अब यार ध्यान से सोच के बताओ कि एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इन दोनों में ही क्या हमने कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी पढ़ी? नहीं, हमने वहां पर सिर्फ कौन सी सिमिलैरिटी की बात की है, वर्टिकल सिमिलैरिटी। इसीलिए हम ब्लॉक के अंदर भी ग्रुप वाइज पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर फिर ऐसा क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं? तो वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर फिर एक बार दिमाग में सोचना, चाहो तो पॉज कर सकते हो, तुम आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अपने मन से भी आंसर आना चाहिए। ऐसे सामने वाले का बस सुनते जाओ लिखते जाओ ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो खुद का भी दिमाग लगना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा क्या पॉइंट हो सकता है। क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया खुद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर खुद से दिमाग में आना चाहिए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ, आई होप कि आपने सोचा तो होगा पॉज करके एक दो मिनट, नहीं सोचा होगा तो भाई क्या कर सकते हैं, राइट। तो भाई हमारे पास याद करो जब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ते तो हमने बोला था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज या फिर सिमिलर केमिकल रिएक्शन किस रीजन की वजह से शो होते हैं। रीजन क्या होता था हमारे पास, सेम वैलेंसी, है ना। अगर हम एग्जांपल दूं, सपोज कि मैंने बोला ग्रुप वन के सभी एलिमेंट्स सिमिलर वे के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, क्यों? तो भाई उन सबकी ही वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 है, जिसकी वजह से उन सबकी वैलेंसी कितनी है हमारे पास, तो +1 होती थी, है ना। अब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम, वैलेंसी सेम, जिसकी वजह से वो रिएक्शन भी सेम शो करते थे, इसीलिए मेजर प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सिमिलर होती थी। तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर भी अगर आपने अब तक ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या लिखी, Na-1D 1 to 10 एंड Ns 1 to 2। तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज कहां से कहां तक था, कैंडियम टू जिंक तक था। तो स्कैंडियम या फिर 3D सीरीज चलो मैं पूरी लिखी देती हूँ, तो हमारे पास 3D सीरीज के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब मैं इनका एटॉमिक नंबर अगर लिखूं तो 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये हमारे पास इनके एलिमेंट्स हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर है। अब अगर मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्कैंडियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं मैं सिर्फ 3d1, 4s2, 3d1, 4s2, 3d5, 4s1, 3d5, 4s1, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s2, 3d10, 4s1, and zinc, 4s2, 3d10, है ना। तो जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं हमारे पास उनको छोड़ के बाकी सबका ध्यान से देखो तो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या सबकी सिमिलर नहीं है? 4s2, 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 4s1 है, 4s2, है ना, समझ समझ। जिसकी वजह से यहाँ पर वापस से कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे पास? सेम, यानी ये वैलेंसी मेरे पास क्या होगी सबकी? सेम। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी कैसी होंगी मेरे पास? सिमिलैरिटी शो करेंगी, राइट। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। कोई दिक्कत इतने के अंदर किसी को भी नहीं? कोई दिक्कत। देन अब यहाँ पर मैंने पीछे बताया था कि हम यहाँ पर 3D 4D सीरीज कैसे बोल रहे हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया कि डी शेल के अंदर फिलिंग होगी, और डी शेल शुरुआत कहाँ से हुई? थर्ड उससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू होता है ना। तो जो हमारे पास 3D सीरीज है, 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे? 3D ऑर्बिटल में। 4D सीरीज का मतलब क्या हुआ हमारे पास? 4D सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4D ऑर्बिटल। सिमिलरली 5D सीरीज का मतलब 5D ऑर्बिटल के अंदर एंटर होंगे, एंड 6D सीरीज का मतलब 6D शेल के अंदर एंटर होंगे। क्लियर इतने चीज? तो इसीलिए हमारे पास D ब्लॉक को हमने चार सीरीज में 3D, 4D, 5D, 6D इन सीरीज में बांटा हुआ। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर बाकी के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर कोई भी किसी को दिक्कत हो तो अभी मुझसे पूछ सकता है कमेंट में, अभी या फिर जब भी आपको दिक्कत हो, जरूरी नहीं कि अभी दिक्कत हो जाए, बाद में पढ़ने के बाद भी दिक्कत हो सकती है, तो तब पूछ सकता है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर दो, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ यार, क्योंकि कोविड का टाइम है तो बहुतों को पढ़ना है। एंड अच्छा मटेरियल किसको नहीं चाहिए, है ना। वैसे मैं तारीफ खुद की कर रही हूँ क्योंकि अच्छा मटेरियल है, बट आई नो कि अच्छा मटेरियल है, तो इसलिए थैंक यू, बाय बाय।